हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं शंकी भारद्वाज फिर से स्वागत करता हूँ क्रैश कोर्स में, जो हमने स्टार्ट किया था आपके लिए 30 डेज 30 चैप्टर्स फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। टीजीटी और पीजीटी दोनों के चैप्टर्स में आपको कवर कराऊंगा। ये सीरीज ज्वाइन करने का मतलब है टीजीटी वालों का भी सिलेबस कंप्लीट होगा और पीजीटी वालों का भी सिलेबस कंप्लीट होगा। कभी कोई चैप्टर टीजीटी का, कभी कोई पीजीटी का, ऐसे करके कंप्लीट करेंगे हम पूरा सिलेबस। इसके अंदर मैं आप करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप तैयारी करते हैं ईएमआरएस की या हरियाणा की या बिहार की या यूपी टीजीटी पीजीटी, आप किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हो, तो ये समझ लीजिए ये क्रैश कोर्स आपका बहुत अच्छे से एक बार अच्छे से रिवीजन कराएगा आपके एग्जाम से पहले। तो ये अपने जितने भी यार दोस्तों में शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको चैप्टर कवर कराया है वो है नंबर थ्योरी, सेट्स, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, एपीजीपीएचपी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, और आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, मोस्टली टीजीटी में ये आता है क्वेश्चन, पीजीटी में भी आता है क्वेश्चन कई बार, तो दोनों में यूज हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है लाइक, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि इसी से हमें ऐसा होता है कि हाँ चलो हम मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल तो वो हो रही है, किसी न किसी के काम आ रही है। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में मैंने अच्छा पढ़ाया है, जब आप कमेंट करते हो तब अच्छा लगता है। शेयर कीजिए, अगर आप जितने भी ग्रुप्स वगैरह में आप जुड़े हुए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर भी आप कंटिन्यूटी। अब होता क्या ना, थोड़ा कम टाइम मिलता है इसलिए इन चीज़ों पर एक्टिव कम रहा जाता है, बट अभी स्टार्ट करेंगे उन पर भी एक्टिव आना। ठीक है, तो लाइक कीजिए अभी, और आज का चैप्टर आपको इतना बेहतरीन कराऊंगा, इतना बेहतरीन कराऊंगा किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। आज का आपका पहला पॉइंट देखिए, कम से कम टाइम आपका यूज हो इसलिए मैं पहले से मैंने ये ड्रॉ किए थे। वो देखिए, अगर दो तरह हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर दो तरह की ट्रायंगल्स बनती है, दो तीन तरह की ट्रायंगल्स बनती हैं, जो मेनली अगर रेशियो आपको आता है हाइट एंड ट्रायंगल, जो हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर आप खत्म कर देते हो विद इन वन कंसेप्ट ओनली, दैट इज रेशियो कंसेप्ट। आपको कुछ फैक्ट याद होने चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है, या वैल्यू याद होनी चाहिए या कंपैरिजन करना आना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं इतना याद कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो, जो 30 होता है, 30 के सामने जो लेंथ होती है वो होती है 1, इतनी याद रखनी है। 60 के, 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने होता है कितना √3, और 90 के सामने होता है 2, इतनी बात याद कर ली, 50% क्वेश्चन सोल्व हो गए। आगे करके भी दिखाऊंगा आपको, 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, 90 के सामने वाला 2 होता है। ठीक है, अगर 45 दे रखे हो तो 45 के सामने वाला 1, तो ये भी 45 है तो इसके सामने वाला भी 1, पर अब 90 के सामने वाला हो जाएगा अंडर द रूट 2। ये एक नॉर्मल पाइथागोरस प्रमेय से एंगल वैल्यू पुट करके निकाली गई है। आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इतना याद रखेंगे 30 के सामने आता है 1, 60 के सामने आता है √3, 90 के सामने आता है 2, और आपका आधा चैप्टर खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ए फाउंटेन इज ऑब्जर्व 50 मीटर अवे, एक फुहारा देखा गया 50 मीटर दूर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, कोई पोल है उससे 50 मीटर दूर आप से ये बड़ा बना लेते हैं थोड़ा पोल, कोई पोल है और उससे 50 मीटर दूर एक फुहारा देखा गया है। ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, वो एंगल ऑफ एलिवेशन का है या डिप्रेशन का है, कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल जहां भी आपका मन करे बनाओ। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसने कहा 30 डिग्री, ठीक है, होता ये वाला है, ठीक है, बट वही है पैरेलल लाइन है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो उस ज्यादा कंसेप्ट के अंदर मत घुसो, बस सिंपल जितना आपको मैं सिखा रहा हूँ इतना सीख लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इसने क्वेश्चन के अंदर कहा क्या है वो देख लो, अब ये एक पोल है, ठीक है, 50 मीटर दूर एक फुहारा देखा, यहाँ पर कोई फुहारा था वो 50 मीटर दूर था। अब इसने क्या कहा है,
30 डिग्री एंगल बनाता है ये फुहारा किसके साथ, एट ए पॉइंट विच इज एट 1/3 हाइट ऑफ द पोल, पोल की जितनी हाइट है उसकी 1/3 के साथ, ये मान लो कि यहां तक, ठीक है, अब यहां तक हाइट के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बात आ गई, पूरी हाइट आपके सामने ये है, ठीक है भाई, इतनी सी बात आ गई समझ में, पूरी हाइट थी पर 1/3 के साथ, कहने का मतलब ये मान लो 2 बच गया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक मान लो 1 है, तो 1/3 के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, पूरे हाइट पूछ ली पोल की कितनी है, तो मैंने क्या कहा था, देखो ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री भाई, 60 डिग्री, ठीक है, और ये कितने डिग्री भाई, 90 डिग्री, ये तो समकोण बन गई सबको पता है, 90 डिग्री है 30 है तो ये 60 हो गई, तो 60 के सामने वाला, अभी अभी मैंने बताया था 60 के सामने वाले की वैल्यू कितनी होती है, √3, पर दे कितनी रखी है 50, तो √3 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना, 50/√3, आ गई समझ में, देखो रूट मैंने अभी अभी पीछे वाली स्लाइड पे आपको समझाया था कि जो 60 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो लेंथ होती है उसको हम √3 बोलते हैं, 30 के सामने वाले को 1 बोलते हैं, बस इस बात का यूज किया है मैंने कि जो 60 के सामने था उसको मैंने कहा √3 है भाई, 60 के सामने वाले को मैंने क्या कह दिया, √3 है, ठीक है, अब √3 की जगह बोला कितना है एग्जामिनर ने, 50 मीटर, तो √3 की वैल्यू 50 मीटर है, तो 1 की कितनी आ गई भाई, 50/√3, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50/√3, 50/√3, पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, पूरे हाइट की मतलब पूरे हाइट की यूनिट कितनी थी, 3, 1 यूनिट की वैल्यू है 50/√3, तो 3 की कितनी होगी, 50/√3 गुना में 3, ये आपके पूरे की हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 50/√3 थी, तो पूरे 3 की वैल्यू के लिए 3 गुणा कर दिया, तो इसका आप देख, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 50/√3, ये आपका आंसर होगा, बस सिंपल है, पहला क्वेश्चन था, आगे आप बिना पेन चलाए आंसर निकालोगे इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, और जैसे ही ये कंप्लीट होगी वीडियो आपको महारत हासिल हो चुकी होगी हाइट और डिस्टेंस के अंदर, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, और सबसे शॉर्ट और सबसे स्पीड में आंसर निकालोगे इसकी भी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूँ ये सब नहीं कराते, ये बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने के बाद पता चलता है, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़का है, ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, वो पतंग उड़ा रहा है विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, एक धागे के साथ, और कितनी, यहां पर मान लीजिए कोई पतंग उड़ रहा है, यहां पर वो लड़का है, ठीक है, तो कितनी मीटर की रस्सी से पतंग उड़ा रहा है, वो 200 मीटर की रस्सी से पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, मतलब जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, विद द काइट, ठीक है भाई, एट व्हाट हाइट द काइट इज फ्लाइंग, कितनी हाइट के ऊपर पतंग उड़ रहा है ये आपसे पूछिए, देखो ये 60 है, ये 30, ये 30 है, और ये 90 है, ठीक है, अब देखो 90 के सामने वाले की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, ध्यान से देखिए पहली स्लाइड के ऊपर, 90 के सामने वाले की वैल्यू मैंने बताई थी हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पर 2, जब 30-60 एंगल होंगे, तो 90 के सामने वाली की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, 2 की वैल्यू एग्जामिनर ने 100 दे दी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100, भाई 2 की 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हाइट पूछी है, मतलब ये वाली वैल्यू, तो 60 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, 60 के सामने वाले की वैल्यू √3 होती है, 1 की वैल्यू 100, तो √3 की वैल्यू कितना, 100√3, यही आपका आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, अभी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पर तो यकीन मानिए इतना ही टाइम लगेगा जितना बेसिक में लग रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड बस, और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, आ गया समझ में भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे प्रीवियस पेपर्स मैंने लिए आपके, एच टेट के, केवीएस के, एनवीएस के, एलटी ग्रेड के, जीआईसी के, जेडीडी के, हर एक प्रीवियस पेपर में से क्वेश्चन उठाकर मैं आपके लिए लाया हूँ। क्वेश्चन देखिए, ए लैडर इज लीन अगेंस्ट ए वॉल, एक सीढ़ी है वो दीवार के साथ, ये मान लीजिए दीवार और ये मान लीजिए सीढ़ी, इस दीवार के साथ लगा दी गई है सीढ़ी, ठीक है। इन सच एविडेंट इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड के साथ बनाती है कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण विद द ग्राउंड, एंड इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ये जो सीढ़ी है ये 100 मीटर दूर है, ये कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है बेस से, दीवार के बेस से। फाइंड आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, बस हाइट पता करनी है वॉल की कितनी है भाई, ये 30, ये 90 और ये 60। अब 60 के सामने वाले की वैल्यू कितनी होती है, 60 के सामने वाले की वैल्यू होती है √3। बस एक चीज याद करवाई है आपको, वो याद हो गई, पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया कि 30 के सामने वाले को एक कहते हैं, 60 डिग्री के सामने वाले को √3 कहते हैं, बस यही तो खेल है और कुछ भी नहीं है। देखो तो √3 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, √3 के सामने की वैल्यू दे रखी है 100, तो एक की वैल्यू कितनी, 100/√3। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, ये हाइट पूछी है दीवार की कितनी है, 30 के सामने वाले को क्या कहते हैं, एक, और एक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितना, 100/√3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 100/√3, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, हमेशा हमेशा के लिए कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है भाई। इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पर आपकी आंखें बिल्कुल बोर्ड से हटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट, दो तीन कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक सिखा दिया 30-60 वाला, दूसरा कंसेप्ट है जिसको हम, मैं कहता हूँ टेम्पल केस, ये टेम्पल सा बना दिया हमने इसको, ठीक है। एक टेम्पल केस बताऊंगा, एक बोर्ड केस बताऊंगा और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। देखो जब भी कभी वो कहे रिवर का आपके सामने रखने को बोले क्वेश्चन, कि कोई नदी है और नदी के एक सिरे पर कोई पोल है, दूसरे सिरे पर कोई पोल है, या नदी के एक तरफ पेड़ है या दूसरी तरफ पेड़ है, इस तरह का अगर वो पर्सन आपको कहे, या वो कहे माउंटेन, पहाड़ है, पहाड़ की चोटी से एक तरफ देखे या पहाड़ की चोटी से दूसरी तरफ देखे, ठीक है, ये मान लो पहाड़ है एक तरफ देखे या दूसरी तरफ देखे, या मान लो ये रिवर है, एक यहाँ पर पोल, एक यहाँ पर पोल, ये यहाँ पर ट्री या यहाँ पर ट्री, इस तरह की स्टेटमेंट ही एग्जामिनर बनाता है, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। या तीसरी तरह की स्टेटमेंट कहेगा वो रोड के बारे में, कि एक रोड है इतना चौड़ा है, एक तरफ स्ट्रीट लाइट लगी है, दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट लगी है, रोड की चौड़ाई आपको दे देगा, उन स्ट्रीट लाइट्स की हाइट आपसे पूछ लेगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ब्रिज पुल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है, तो हम बनाएंगे टेम्पल केस, ठीक है। इनके साथ, इनके दोनों एंड्स पे, रिवर, माउंटेन्स, रोड या ब्रिज, इन दोनों के दो किनारे पर, या तो ट्री को बोलेगा कि भाई दो पेड़ खड़े हैं किनारों पर, या पोल खड़े हैं किनारों पर, या कार आ रही है दो अलग अलग दिशाओं से, अपोजिट डायरेक्शन से, अगर अपोजिट साइड से कार आ रही है किसी, मान लो ये पोल है या माउंटेन है या बिल्डिंग है, इसके दोनों तरफ से कार आ रही है, तो ये सिचुएशन बनती है। या फिर कोई फ्लाइंग बर्ड है, उड़ने वाला पक्षी है, तो भी यही होता है कि पहले मान लो वो पक्षी यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपसे हाइट पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, मैंने रामबाण ट्रिक लिख दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, इससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं, इससे बेहतर कोई स्पीड नहीं होगी कैलकुलेशन की, सबसे शॉर्टेस्ट वे आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। तो वो क्या है समझ लीजिए, एक्स होती है उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं एक्स, और एच होता है हाइट, बस इतना खेल है, और आपके हर एक क्वेश्चन का
सॉल्यूशन, हर एक समस्या का समाधान इसी फॉर्मूले के अंदर है। अगर वो समस्या जुड़ी है रिवर से या पहाड़ से या रोड से या पुल से, या फिर जुड़ी है पौधों से या पोल से या कार से, तो आप हर एक क्वेश्चन को इस ट्रिक से निकाल पाओगे कि अगर आपने कभी इस चैप्टर को पढ़ा है तो यकीन मानिए 70% इसी के ऊपर बेस है, 30% दूसरी तरह से बेस है, वो भी मैं आपको कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आप भी कहोगे सर मजा आ गया, हर क्लास में बहुत बेहतरीन कराते हो आप, तो आंसर देख लीजिए कैसे निकालेंगे। स्टेटमेंट पढ़िए, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, एक आदमी खड़ा हुआ है टॉप ऑफ ए टावर, ये मान लीजिए एक टावर है और यहाँ पर खड़ा हुआ है आदमी जो कि है 100 मीटर हाई, मतलब एच की वैल्यू दे रखी है कितनी 100 मीटर, उसने बोला है ही ऑब्जर्व, उसने देखा टू कार्स आर अप्रोचिंग, दो कार आ रही हैं टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ आ रही हैं फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक कार यहाँ इस तरफ से आ रही है, एक कार इस तरफ से आ रही है, ठीक है, और वो 30 और 60 डिग्री बनाती हैं। दोस्तों एंगल के बारे में कभी सोचना ही मत जब 30 60 की बात आए या 40 45 की बात आए, ठीक है, तो जब सोचना होगा मैं आपको बता दूंगा इस केस में सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना बिल्कुल भी नहीं, 30 60 के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, कभी आंख बंद करके भी नहीं सोचना। तो देखिए इसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, मतलब इन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, आंसर आया या नहीं आया बोलो, आया, वेरी गुड, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, और बटे में एक्स ये रखा 4, एच की जगह रखा दोस्तों 100 और बटे में लिख दिया अंडर द रूट 3, बस यही आपका आंसर है 400/√3, ठीक है, हो गया भाई, जीआईसी 2016 क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं समझा दूं, अगर कोई रिवर नदी के किनारों पर कोई पेड़ पौधे खड़े कर दे या पोल खड़े कर दे या माउंटेन के एक तरफ या दूसरी तरफ कुछ वाहन व्हीकल ले आए, या रोड के दोनों तरफ पेड़ खड़े या पोल खड़ा कर दे, या ब्रिज के दोनों तरफ पोल या पेड़ खड़ा कर दे, तो हम इस तरह क्वेश्चन लगाते हैं, या कोई पक्षी उड़ता हो तो उस केस को हम क्या बोलेंगे टेम्पल केस, और टेम्पल केस की ट्रिक क्या है एक्स इजकल टू 4h/3, इसी से आपके आंसर आएंगे, कभी भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि डायग्राम बनाओगे 10 सेकंड जाएंगे, ये बता दिया ये तोड़ है सभी चीजों का। देखिए अब ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे फटाफट, एनवीएस टीजीटी 2018 का क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है एक टावर के टॉप पर खड़ा है, ही ऑब्जर्व टू कार्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, दो कार उसकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, बाय मेकिंग एन एंगल 30 और 60 रिस्पेक्टिवली, तो सेम क्वेश्चन पहले किया था, बस अब की बार उसने क्या कहा डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इज 80 मीटर। देखो वैसे तो डायरेक्ट आंसर यहीं से आ चुका है एक्स इजक्वल टू 4h/√3, ठीक है, मैंने बस x की वैल्यू दे रखी है, इसने कितनी 80, x x इजकल टू 4h/3, x की वैल्यू दे रखी है 80 और ये है 4/√3, तो आंसर तो आ गया 4 से 20/√3 इस तरफ आएगा 20/√3 आपका आंसर आ चुका है। फिर भी एक बार मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा आपकी बेहतरी के लिए, देखिए इसने कहा एक पर्सन इज स्टैंडिंग फॉर टेम्पल केस है दोस्तों, ये एक ही टावर है, टावर के टॉप पर खड़ा है एक आदमी, उसने देखा है दो कारों को अपनी तरफ आते हुए, एक यहां से आ रही है एक यहां से आ रही है, एक 30 बनाती है एक 60 बनाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता 30 का 60 का किस तरफ बनेगा, कोई बात नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इज 80 मीटर, अब की बार ये डिस्टेंस दी 80 मीटर और आपसे पूछ लिया हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये पूछ लिया है, तो पहले वाला ही केस जो मैंने आपको समझाया था देखिए जरा वही तो केस है, एच और एक्स बस वही ट्रिक हमने लगाई एक्स इजकल टू 4h/√3, और दोस्तों एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी 80 और ये 4 से कटा 20 पर, और ये √3 डिवाइड में था, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हुआ, आंसर निकाल लिया 20/√3। अब की बार ऐसा पढ़ाऊंगा आप शेयर करने पर मजबूर हो जाओगे, कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे, इतनी बेहतरीन क्लास आपकी रहेगी दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अब मैंने कहा था सिर्फ 3 कंसेप्ट बताऊंगा और ये है आज का आखिरी कंसेप्ट,
तीसरा कंसेप्ट, इसको मैंने कहा बोट केस। एक बोट है ये और इस पे ये झंडा लगा हुआ है, इस तरह का आपका एक बोट केस बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसमें स्टेटमेंट कैसे कैसे आएंगी सुन लीजिए, कानों को खोल के आंखों को यहाँ बिल्कुल बोर्ड पर देखिए आंखों से। अगर वो कहे कि सन सूरज की तरफ, भाई कोई बंदा सूरज की तरफ देख रहा है पहले और फिर थोड़ी देर आगे जाके फिर से उसने सूरज की तरफ देखा, इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट आती है, ठीक है। या वो कहे प्लेन को कि प्लेन में से मुझे किसी ने देखा या मैंने प्लेन को देखा और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा देखा, कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये प्लेन है, पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, या यहाँ से यहाँ प्लेन आ गया, ठीक है। तो इस तरह जब सेम डायरेक्शन, देखो अभी ना अपोजिट डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे कार को एग्जांपल लेके, अब बात आ गई है सेम डायरेक्शन के क्वेश्चंस की। और जब सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो आपके सामने 3060 पर ये डायग्राम बनेगा। एक बार डायग्राम समझाता हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखिए जरा, ये कहेगा ये है हाइट h और ये है दो आर्टिकल्स, दो कोई भी दो वस्तुएं जो मान लीजिए एरोप्लेन है या सन है या कुछ भी है जो सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया एक्स। ट्रिक क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2h/√3। क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, आप कहोगे सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया, बोलोगे हाँ वेरी गुड। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है एक आदमी ऑफ 100 मीटर हाई, उसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है, एच की वैल्यू दे दी कितनी 100 मीटर। ओके अगली बात वो कहता है ही ऑब्जर्व टू कार्स, अब की बार उसने दो कार्स को देखा है अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, फिर से दो कार देखे, पहले भी दो कार देखी थी पर उसमें क्या था, उसमें था कार दो आ रही थी, वो दोनों कार अपोजिट साइड से आ रही थी, पर अब की बार जो हम देख रहे हैं ये जो कार है ये आ रही है सेम डायरेक्शन से, एक ही डायरेक्शन से आ रही है, एक यहाँ पहुंची है एक यहाँ पहुंची है, दोनों कार टावर की तरफ आ रही है, एंगल बनाएंगी 3060। तो दोस्तों 3060 बनाएंगी तो कौन सा 30 होगा, जो पीछे बना है वो 30 होगा और जो आगे जितना आप इसकी तरफ आते जाओगे आपका एंगल बड़ा होता जाएगा, यहाँ पर आकर 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एंगल पूछूंगा तो 20 कहोगे, फिर आगे पूछोगे 25, ये 30, यहाँ पूछोगे 40, ये 60। तो जितना आप पोल की तरफ आते जाते हैं उतना ही आपका एंगल बड़ा होता जाता है, ठीक है। ओके अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, तो दो कार्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है जो कि मैंने डिनोट करी है एक्स से, बस ट्रिक लगाइए आंसर पाइए एक्स इज इक्वल टू 2, एच की जगह क्या दे रखा है 100 मीटर उसने बोला है, मैंने रख दिया 100 अपॉन में रखा √3, बस दोस्तों आंसर आ गया आपका 200/√3। कोई आपको कंपैरिजन नहीं करना ट्रायंगल्स के अंदर, कोई बुकिश नॉलेज नहीं, बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई तोड़ नहीं है, आप बस तोड़ होगा आपकी स्पीड का, ताबड़ तोड़ स्पीड हो जाएगी आपकी, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त आंसर आ गया 200/√3। कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर रैशनलाइजेशन करके दे देता है, जब भी रैशनलाइजेशन करना हो जैसे √3 और √3 से गुणा √3 से भाग, तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 200√3/3, इस तरह से भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। कई बार मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कराएगा, हर एक तरह की चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। ये है आपका एच टेट टीजीटी 2018 क्वेश्चन दोस्तों, तो होप आप समझ आया होगा। जब सेम डायरेक्शन से दो चीजें आएंगी तो मैं ट्रिक लगाऊंगा एक्स इजिकल टू 2h/√3, और जब अपोजिट डायरेक्शन से दो चीजों को देखा जाएगा या आएंगी तो उसको 4h/√3। ये आपका पूरा चैप्टर इन्हीं बातों में खत्म है। देखिए आगे यूपी टीजीटी पीजीटी पीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। 2016 क्वेश्चन है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, एक फिर से आदमी खड़ा है टॉप ऑफ टावर में, ही ऑब्जर्व टू कार्स, उसने फिर से दो कारों को देखा, कहाँ से सेम डायरेक्शन से आ रही थी, बस इतना खेल और आपका खत्म। इतना पता चलते ही आपको आपके दिमाग में आ गया सेम डायरेक्शन से आ रही है तो ट्रिक लगेगी एक्स इज इक्वल टू 2h/√3। अब देखिए इसने दिया क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, तो डिस्टेंस क्या होता है एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी 80 और 2 इंटू एच बाय √3। तो बस दोस्तों यही आपका आंसर है, 2 से 80 कटेगा 40 पे, ये √3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 √3 आपकी हाइट होगी। डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है जब आपको पता है इस तरह की सिचुएशंस का। कार की जगह प्लेन कह दे, कार की जगह बोट कह दे, कार की जगह आदमी कह दे, तो वो सेम डायरेक्शन से आ रहा हो, एंगल चेंज हो रहा हो, तो आपका आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा कि आप कहोगे सर मजा आ गया, क्या बोलोगे मजा आ गया कमेंट के अंदर। फिर से देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल टू हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू इच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। मैंने कहा था ना, रोड के दोनों साइड हो या रिवर के दोनों साइड हो, कुछ भी वो खड़ा करे, तो आपको टेम्पल केस लगाना है। समझाता हूं एक बार, पहले इसको डायग्राम समझो इसका, बहुत उसी बेस पे इसका डायग्राम बनता है, पर देखने का तरीका अब मैं डायरेक्ट, वैसे तो मैं लगा सकता हूँ डायरेक्ट, क्या लगाऊंगा भाई। देखो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये दो पोल है। समझाता हूं एक बार, समझाऊंगा समझ लीजिए, फिर आगे बिना डायग्राम के आंसर निकाल लोगे आप। ठीक है, क्योंकि आंसर तो आप निकाल सकते हो। क्यों, जब मैंने कहा था कि दो पोल्स या दो कुछ भी आए, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, 4h/√3। इसी से आप बस ये 100 मीटर रखा दोनों साइड में, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है 100, ये 4 25√3 आंसर है। बट कैसे, कहाँ से, क्यों, वो एक बार समझाता हूँ, डायग्राम से समझिएगा, फिर आपको ट्रिक तो पता ही है, हमारी लाजवाब ट्रिक है ना। दो पोल्स हैं इक्वल टू हाइट्स, बराबर हाइट के हैं। ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट टू इच अदर, आपस में अपोजिट खड़े हैं, आइदर साइड ऑफ ए रोड, ये एक रोड जा रहा है ऐसे, और इसके दूसरी तरफ एक इस साइड पोल खड़ा है, एक इस साइड पोल खड़ा है, विच इज 100 मीटर वाइड। जो ये रोड है इसकी जो चौड़ाई है वो 100 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट से, ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स, वो जो है वो एक 30 है और एक 60 है। तो दोस्तों एक बार बताओगे कौन सा 30 कौन सा 60, वैसे तो मर्जी आपकी, पर जो दूर होता है वो एंगल छोटा होता है, जो पास में होता है वो एंगल बड़ा होता है। ये बात हो गई। द हाइट ऑफ द ईच पोल, आपसे हाइट पूछी है। ठीक है, चलो देखो एक बार मैं पैरेलल लाइन खींच दूं, पैरेलल लाइन खींचने में तो आपको कोई इशू नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल इशू नहीं है। तो पैरेलल लाइन की एक आपको प्रॉपर्टी होती है, दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल की, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल वहां होता है, मतलब ये 60 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 है, मतलब इसी को बस ऐसे लिख दिया कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया दोस्तों। यहां समझ आ गई भाई, जितनी हाइट इसकी है जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी भी होगी, ये भी ठीक है। तो क्या आपको, मैं बार बार कह रहा था टेम्पल केस, क्या आपको वो टेम्पल केस नजर आया, इसको छोड़ दो और देखो आपके सामने। ठीक है, ये 100 मीटर है तो क्या ये भी 100 मीटर होगा। हाँ ओके, शायद कोल्ड हो गया है, पर टपकना शुरू नहीं हुआ, देखिए 100 मीटर। तो भाई यहां देखिए दोस्तों, ये 100 मीटर है तो ऊपर वाली भी 100 मीटर, क्योंकि इसके पैरेलल है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। तो इसको देख लो सिर्फ आप, मान लो इसको मैं यहां से रब कर दूं, तो क्या आपको अब देखने को मिला टेम्पल केस। यही तो मैंने आपको, इसको उल्टा कर दूं तो टेम्पल केस बना या नहीं बना, आप कहोगे सर बिल्कुल बना, ये वाली बात तो हमने सोची ही नहीं थी, ये 100 है ये एच है, ये ही तो वो कंसेप्ट था, इसलिए तो मैंने ये ट्रिक लगाई थी, कौन सी, एक्स इजिकल टू 4h/√3। जब टेम्पल केस बनेगा तो ये ट्रिक लगाऊंगा, और जब बोट केस बनेगा तो वो 2h/√3 लगाऊंगा और आंसर निकाल लूंगा, डायग्राम बनाऊंगा ही नहीं भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बॉय इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए फील्ड, एक फील्ड के बीच में एक लड़का खड़ा है।
उसने वो क्या करा है, ही ऑब्जर्व डेट ए फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड का मैंने आपको कहा था कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई पक्षी उड़ रहा है, तो केस कौन सा होता है, केस होता है आपका क्या बोलते हैं उस केस को, टेम्पल केस बोलते हैं। बस क्यों ही डायग्राम बनाना है, आंसर निकालो ना एक बार फटाफट, देखो फिर भी डायग्राम बना दूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ही आंसर तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पर कहीं पे, हाइट दे रखी है 50√3 और आंसर निकाल लोगे, बट पहली बार सीख रहे हो तो डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये NVS TGT 2016 क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर टाइम भी दे रखा है तो एक बार समझ लो। ये देखो भाई, ये कोई फील्ड है, इसके बीच में यहाँ पर मान लीजिए कहीं पे एक लड़का खड़ा है, इसने कहा ही ऑब्जर्व ए फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अगर इसने नॉर्थ की तरफ देखा, मान लो ये नॉर्थ है, जब उसने नॉर्थ की तरफ देखा तो उसने क्या पाया कि एंगल है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। जब उसने 2 मिनट बाद देखा, मान लो यहाँ पर वो पक्षी था ठीक है, और 2 मिनट बाद देखा तो उसने पाया क्या, ही ऑब्जर्व दैट द सेम बर्ड इन द साउथ एंड नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री। तो कहाँ बनेगा भाई, अब की बार बन गया है, यहां पर वो पक्षी उड़ के पहुंच गया और ये एंगल क्या बन गया इसकी तरफ देखने के लिए, 60 डिग्री। बस वही बात है जो मैंने आपको सिखाई, ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, तो क्या वही नहीं बन रहा है, क्या टेम्पल केस दिखाई दे गया आपको? अब फिर से आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे गया, दिखा के मानेंगे भाई, देखो ठीक है फिर से टेम्पल केस बना, पर इसने आगे क्या कहा, 2 मिनट बाद इसने देखा था, इफ बर्ड इज फ्लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो पक्षी उड़ रहा है ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 50√3, मतलब ये जो हाइट है वो कितनी दे दी भाई, 50√3, ये हाइट आपको दे रखी है। तो दोस्तों बस आप अपना आंसर निकाल लो एक बार, डिस्टेंस ये कवर कितनी करी है देख लो एक बार, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, फोर हाइट कितनी है दोस्तों, 50√3 बटे में √3, √3 से √3 गया, ये आ गया 200 मीटर, ये कितना आ गया 200 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा था डिस्टेंस, मतलब ये जो 200 मीटर की डिस्टेंस थी ये उस पक्षी ने कितनी देर में तय करी है दोस्तों, ये 2 मिनट में तय करी है। हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 200 मीटर, डिस्टेंस कितनी है आप बोलोगे कितनी मीटर, 200 मीटर, टाइम कितना है 2 मिनट, सेकंड में बदलोगे तो 2 मिनट को कितनी लिख दूंगा, 120 सेकंड। पूछा किस में है, किलोमीटर पर आवर में, जब मीटर से किलोमीटर या किलोमीटर से मीटर, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, जब आप किलोमीटर पर आवर में बदलते हो तो 18/5 मल्टीप्लाई करते हो, बस कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, अगर बदलना हो बड़े में तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ऊपर होगा, बदलना हो छोटे में तो इन दोनों में से छोटा नंबर ऊपर होगा, बस इतना कंसेप्ट। अब किलोमीटर बड़े में बदलना था तो 5 और 18, 18 बड़ा नंबर है, ऊपर आ गया 18, बस काट दो भाई, देखो 5 से कितने पे कटा, 40 पे, 40 से 3 पे कटा और ये 3 से 18 6 पे कटा, 6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट, बस सीधा हमें पता चला कोई पक्षी उड़ रहा है, वो पहला जो कंसेप्ट बताया था वो डायरेक्ट हमने लगा दिया, x इक्वल टू 4h/3, h की वैल्यू दे रखी थी, वहां से x की वैल्यू निकाल ली, अब डिस्टेंस आ गई थी, टाइम था, स्पीड निकाल ली, आंसर आ गया, NVS TGT के अंदर क्वेश्चन आया था ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन, मैंने कहा था आपको एरोप्लेन का क्वेश्चन देखो, एरोप्लेन हो सन हो, जब या सेम डायरेक्शन से कोई भी दो चीजें आती हैं, तो उसके अंदर जो ट्रिक थी वो क्या थी, एक्स इजिकल टू 2h/√3, ये थी, बिना डायग्राम बनाए भी आंसर निकाल सकते हो ठीक है। फिर भी एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपके सामने क्या है वो ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक एरोप्लेन का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मान लीजिए डायग्राम ऐसे बनाने की जरूरत है नहीं आपको, है ना ठीक है,
तो सीधा देख लो, बार बार डायग्राम बनाओगे। आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट द एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ, हाइट कितनी दे दी 1500√3 एक्स एज इट इज टू, हाइट कितनी दे दी 1500√3 बटे में कितना है √3, बस √3 से √3 कितना आ गया x आ गया 3000। x क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस आ गई है 3000 मीटर। ठीक है, अब ये 3000 मीटर जो है एरोप्लेन ने कितनी सेकंड में कवर करी है, 15 सेकंड में कवर करी है, इसलिए स्पीड पूछी है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, चाल का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बटा समय। और दूरी कितनी है 3000 मीटर है आपकी डिस्टेंस 3000 मीटर, और टाइम कितना आपके पास 15 सेकंड, ये 15 से डिवाइड किया, 15 × 30 ये 200 आ गया, 200 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में करना हो तो 18/5 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, पहली बार पढ़ रहे होगे बिना डायग्राम के ना, एनवीएस टीजीटी 2018 का क्वेश्चन सामने है आपके। ए पर्सन ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ही वॉक्स 5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए समझा देता हूँ, वैसे तो वही है आपको, एक सेम डायरेक्शन में बंदा जा रहा है तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लगाता x इक्वल टू 2h/√3 और आंसर निकाल लेता। पर आप पहली बार इस कंसेप्ट को सीख रहे हो तो कई बार डायग्राम एक आधी बार बना के दिखा देता हूँ, वरना कहोगे सर आप तो हवा हवा में क्वेश्चन कर गए। देख लो जरा एक बार, एक पर्सन है, एक आदमी है, उसने देखा द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ टॉप ऑफ टावर से। ये मान लीजिए टावर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, ये टावर है, यहाँ पर वो आदमी खड़ा है। तो इसने कहा कि पहले तो जो था वो 60 मीटर था, ये मान लीजिए 60 डिग्री एंगल था। ही वॉक्स 5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, 5 मीटर दूर गया है टावर से, मतलब यहाँ इस तरफ गया है टावर से, दूर जाना मतलब यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ये 5 मीटर दूर पहुंच गया है, ठीक है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, दूर जाते ही एंगल छोटा हो जाता है, 30 डिग्री हो गया। वट इज द हाइट ऑफ द टावर, आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछिए ये वाली, ठीक है। तो देखो भाई कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं इससे। तो देखो अब x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 बराबर है 2 × h, हाइट निकालनी है, बटे में कितना √3, तो बस वही है 5√3/2, ये आपका आंसर है। ये आप बिना डायग्राम बनाए भी निकाल सकते थे, ये डायग्राम समझाने की बात थी, डायरेक्ट ट्रिक निकालनी है। जब आपको सेम साइड दिखे तो x इजिकल टू 2h/3, अपोजिट साइड दिखे तो 4h/√3, बस ये कंसेप्ट, चैप्टर खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन, केवीएस टीजीटी 2014 क्वेश्चन। If the angles of elevation of a balloon from 2 consecutive kilometers stones, देखिए समझा देता हूँ, वैसे तो दोनों 2 consecutive kilometer stones है, दोनों एक दो पत्थर हैं, एक एक किलोमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, तो वो सेम एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर मैं बोट वाला x इजिकल टू 2h/√3 वाला लगाऊंगा और आंसर निकाल लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस दे दी कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स, मतलब एच की जो एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, बस आ गया √3/2 आंसर, बिना पेंसिल आए आ गया √3/2। फिर भी एक बार समझा देता हूँ, देखिए आप भी बिना पेंसिल आए आंसर निकालोगे मेरी तरह कुछ देर बाद। इसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बलून, ये मान लीजिए कोई बलून उड़ रहा है, इसके 2 consecutive kilometer से इसको देखा गया है, एक मान लो यहां से पत्थर था, यहां से देखा तो ये एंगल बना, फिर 1 किलोमीटर और आगे से देखा तो एंगल ये बना, ठीक है, 1 किलोमीटर और आगे से देखा था, बस 1 किलोमीटर कंसेक्यूटिव किलोमीटर का मतलब है लगातार किलोमीटर, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसने फिर से देखा, तो एंगल जो है वो 30 60 है भाई, ये 30 ये 60 है, बस सिंपल। तो आपसे पूछ लिया हाइट ऑफ द बलून, ये पूछिए जब सेम साइड है, तो मैंने आपको बताया होता है कितना 2h/√3, एक्स की वैल्यू जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कितनी है 1, तो एक्स की जगह रखा 1,
2h बाय रूट थ्री, ये रूट थ्री उस तरफ चला गया तो रूट थ्री इज इक्वल टू 2h, और ये 2 इस तरफ आ गया तो रूट थ्री बाय 2 इज इक्वल टू एच, ये इसकी हाइट आ गई। इतने बार पेन चलाने की जरूरत है? यकीन मानिए जब मैं बिना पेन चलाए आंसर दे सकता हूँ तो आप भी देख सकते हो, क्योंकि आप भी तो मेरे से पढ़ रहे हो। और कहते हैं कि चेले गुरु से ऊपर जाते हैं, तो आपको मेरे से ज्यादा स्पीड लेके आओगे कुछ देर बाद। इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवीएस टीजीटी 2017 क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए टावर इफ एच, देखिए अब की बार हाइट ऑफ ए टावर दे रखा है एच, मान लीजिए ये कोई टावर है और उसकी हाइट दे रखी है एच। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड इज अल्फा, कि कोई है अल्फा, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे और उससे जो एंगल है वो कितना दे दिया आपकी बार अल्फा, ठीक है। व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द टावर एच बाय 2 meter, मतलब इससे इस तरफ गया है टावर की तरफ कितने मीटर, एच बाय 2 meter, कितने मीटर एच बाय 2 meter है, ठीक है। और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन गया है बीटा, अब यहां पर पहुंचकर एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, जो मैं आज की क्लास से सबसे पहले से लगा हुआ हूँ बार बार बोलना, एक्स इजकल टू 2h बाय रूट 3, एक्स इजकल टू 4h बाय रूट 3, उन सभी का जन्मदाता कौन है, उन सभी का जन्मदाता असली कंसेप्ट है एच इजकल टू कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। हमने लिखा था ये वाली चीज अगली स्लाइड पे लिखी होगी, देखिए। तो अब देखो दोस्तों करना क्या है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। एक्स ये जब 30 और 60 वैल्यू पुट करते हैं हम इसके अंदर, अल्फा की वैल्यू 30 बीटा की वैल्यू 60, तो वही चीज निकल कर आती है 2h by 3 और 4h by 3 वाली वो चीजें, ठीक है। तो देखो इसमें 2h by 3 निकल आता है जब ये वाला केस होता है, ठीक है, दूसरे वाले केस में 4h वाला आता है। तो देखो अब इसमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है एच बाय 2, एक्स की वैल्यू जो मैं आपको बार बार बताते हुए आया था यहाँ पर एक्स की वैल्यू होती है, तो ये कितनी दे रखी है एच बाय 2, तो यहाँ पर रखा मैंने कितना एच बाय 2 बराबर है एच कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, एच से एच कटा तो कोट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यही आपका आंसर। मैं आपको बता रहा हूं कि यही जो फॉर्मूला आपके सामने है यही है सभी ट्रिक्स का जन्मदाता कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, इसके अंदर ही आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे 30, 60, 30, 45, 60, 45, हर एक चीज यहां से निकल आएगी। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो यकीन मानिए पूरी हाइट एंड डिस्टेंस के में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था वो इसी से निकली है 30 60 करके 2h बाय रूट 3, ठीक है ओके। तो इससे आपको आंसर निकाल सकते हो फटाफट, निकाल लिया हमने, एक्स की वैल्यू दे रखी थी एच बाय 2, हाइट है ही एच दे रखी थी, बस निकाल लिया आंसर। आगे फिर से देखिए क्वेश्चन, यूपी टीजीटी 2016 क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब एक टावर दे रखा है और उस पे पी और क्यू दो पॉइंट की तरफ देखा जाता है, पी से भी देखा जाता है और क्यू से भी देखा जाता है। एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिव फ्रॉम बेस ऑफ टावर, मतलब टावर के बेस से पी की जो दूरी है वो ए किलोमीटर है, ए दे रखी है और क्यू की बी दे रखी है, ये चीज आपको दे रखी है। द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कंप्लीमेंट्री, अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब मान लो ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, इनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण कहा जाता है। हाइट ऑफ डिस्टेंस आपसे पूछी है ये वाली, देखो इस तरह का कंसेप्ट हमने पढ़ा था पर उसमें इसकी वैल्यू दी जाती थी ये पूछ लेते थे, इसकी वैल्यू दी जाती थी ये पूछ लेते थे, अब की बार वो नहीं दी हुई है तो इस केस में
हम क्या करेंगे, ये क्या है हाइट। तो हाइट निकालने की ट्रिक क्या है, अंडर द रूट ए इंटू बी। लीजिए ये बी केस मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया, इतने सारे केस सोल्व कर दिए, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। ठीक है देखिए भाई, तो इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। तो एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन कैसे रखेगा, ये ए की जगह 20 या बी की जगह 50 कुछ भी लिख देगा और आपसे पूछ लेगा, बस आपको एग्जैक्ट करना है कैसे। एक और क्वेश्चन लेता हूं, उससे आप समझ जाओगे कैसे। देखो ये क्वेश्चन है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2014 का। इसने कहा दो पॉइंट है डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 फीट एंड 16 फीट, 9 फीट और 16 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। एक टावर है, एक 9 फीट दूर है तो एक 16 फीट दूर है। ये है 9 फीट और ये है 16 फीट। ठीक है भाई, अब इसने क्या कहा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, यही मैंने आपको कहा था। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये उसने कह दिया स्टेटमेंट में। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मैंने आपको हाइट ऑफ टावर बस डायरेक्ट ही तो बताया, हाइट ऑफ टावर अंडर द रूट ए इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी दे दी, ए की वैल्यू दे दी 9 और बी की वैल्यू कितनी दे दी 16। 16 निम्मा 144, 144 का अंडर द रूट कितना, आंसर 12, हाइट आ गई 12। बस इस तरह का क्वेश्चन, यही है आपका अंतिम निचोड़ हाइट एंड डिस्टेंस का दोस्तों। और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम इट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ ए माउंटेन। अब बात है माउंटेन्स की, जब एंगल्स माउंटेन पे चढ़ने स्टार्ट करते हैं तो कैसे बदलते हैं, ये कंसेप्ट सीख लीजिए। एचटेट 2015 क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को सीखने के लिए एक बार तो डायग्राम से बताऊंगा आंसर। देखो ट्रिक तो ये आपके सामने है, ये मैं बार बार ट्रिक क्यों बताता हूँ, मैंने आपको 3 ट्रिक बताई है आज के पूरे क्लास में, क्योंकि 95% इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन्हीं में से आया तो सबसे जल्दी कौन निकालेगा आप। सिर्फ 5% हो सकता है कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आए, अदरवाइज 95% इन्हीं के ऊपर बेस आते हैं। और जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उनकी ट्रिक्स आपको पता होना आपकी ड्यूटी है, और मेरी ड्यूटी है वो बताना, आपकी ड्यूटी है उसको रजिस्टर में नोट करना बस। और यहीं पर ये है देखिए अगला तीसरी ट्रिक, आपसे इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हाइट ऑफ माउंटेन पूछा जाएगा, √3 × 1/2, डिस्टेंस कवर आपको दिया जाएगा कि एंगल कुछ भी है आपका, एंगल कितना है 45 का, 30 बन गया, कुछ भी बना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ ए माउंटेन। एक बार स्टेटमेंट समझाता हूं, देखिए ये मान लीजिए कोई माउंटेन था। ठीक है, अब एक यहां से किसी बंदे ने चलना स्टार्ट किया, देखिए फ्रॉम इट पॉइंट सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ ए माउंटेन, ये माउंटेन था पूरा, उसका बेस था यहाँ। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ये आपको 45 दे रखा है। आफ्टर असेंडिंग 2 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब वो 30 डिग्री पर चढ़ना शुरू करता है, 45 पे चढ़ना नहीं स्टार्ट करता, 30 डिग्री पर चढ़ना स्टार्ट करता है। 30 डिग्री पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, और आफ्टर असेंडिंग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब यहां से यहां तक 2 किलोमीटर चलने के बाद, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 60 डिग्री में, मतलब अब टॉप की तरफ देखा जाए तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, ये उसने कहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, आपसे इस माउंटेन की हाइट पूछी है, तो आंसर सिर्फ इतना है डिस्टेंस कितनी कवर की 2, तो इसकी जगह 2 रख दिया मैंने, √3 + 1/2, इसकी जगह कितना रख दिया 2। अगर 4 किलोमीटर गए तो 4 रखना, 10 गए तो 10, 2 से 2 गया, आंसर आ गया √3 + 1 है इस माउंटेन की हाइट। डायरेक्ट पता होना चाहिए, 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और तीनों की आपको
कंसेप्ट और ट्रिक पता चल गई। ये तो हाई लेवल का था, ये भी इतना इजी कर दिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो बस यही खेल है आपका आज का। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, DSSB TGT 2014 का। एक और क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा। एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन का मैं आपको करा चुका हूँ केस कई बार, तो इसको आप खुद करोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए। ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। वैसे तो मुझे देखने को मिल गया कि इसके अंदर क्या है, द टावर मेक्स ए सर्टेन एंगल वाइल गोइंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, 60 डिग्री, 60 मीटर, बस मतलब एक्स इक्वल टू 2h/√3। बट एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, देखिए। क्या आप इस स्पीड से सोच पाए, क्योंकि आपने तो पढ़ाई नहीं, पढ़ा देता हूँ, कैसे सोच पाओगे। ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर है, उससे 160 मीटर पर एक पॉइंट है, ये कितना दे रखा है, 160 मीटर पर एक पॉइंट है, ठीक है। मेक्स ए सर्टेन एंगल, कोई ना कोई एंगल बनाता है, मान लीजिए थीटा बनाता है, ठीक है। वाइल गोइंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ये अगर यहां से जब चलना शुरू करे और 100 मीटर चला जाए, मान लो यहां तक आ गया 100 मीटर, इसने कहा ना व्हाइल गोइंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मतलब टावर की तरफ जाता है 100 मीटर, ये आ गया 100 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन डबल्स, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब ये थीटा है तो ये क्या हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब देखो भाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर पूछा है। देखो आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये जो दो इंटरनल एंगल्स का सम दिया होता है, एक्सटर्नल एंगल, ज्योमेट्री के अंदर प्रॉपर्टी आती है, दो इंटरनल एंगल्स का सम बाहर एक्सटर्नल एंगल होता है, मतलब इसका और इसका सम 2 थीटा है। यहां थीटा आ गया तो यहां पर भी क्या आएगा, थीटा, तभी तो थीटा और थीटा दोनों मिलकर 2 थीटा बनाएंगे, दोनों इंटरनल एंगल 2 थीटा बनाएंगे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल बन गई, ये वाली आइसोसेलस ट्रायंगल बन गई, द्विबाहु त्रिभुज, तो इनकी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये जिनसे थीटा बना हुआ है, मतलब ये 100 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 100 मीटर होगी। बस ये कंसेप्ट। अब देखिए, पूरी 160 थी, ये 100, तो ये कितनी बची भाई, ये बची 60, क्योंकि पूरी 160 थी, यहाँ 100 आ गया तो ये 60 बची, तो इसकी लंबाई आ चुकी है 100, इसकी आ चुकी है 60, ये पूछी है, तो पाइथागोरस लगा दो, 100 के स्क्वायर में से 60 का स्क्वायर घटाओगे, या आप रेशियो से खेलना जानते हो तो आपको पता है क्या बनता है, एक जोड़ा 6 8 10, 6 की जगह 60, 10 की जगह 100, तो 8 की जगह कितना 80, यही आपका आंसर है आज का। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको लूंगा। बस इतना किया कि एक पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर दूर एक पॉइंट दे रखा था, वो 100 मीटर आगे आया और उसने एंगल बना दिया 2 थीटा, पहले थीटा बना रहा था, उसने अब एंगल डबल कर दिया 2 थीटा। यहां आते ही मैंने सोचा कि भाई ये जो एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा है, इस थीटा का और दो इंटरनल एंगल्स का सम इसके बराबर होता है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तभी तो दोनों का सम 2 थीटा होगा। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये एक बनी समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज ना, सम द्विबाहु कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो जब दो एंगल बराबर हैं तो ये दो भुजा बराबर होंगी। इसकी जो लंबाई थी वो 100 मीटर दे रखी थी, तो इसकी भी लंबाई 100 मीटर आ गई, बस ये 100 आई, ये 60 आई, 100 के स्क्वायर में से 60 का स्क्वायर निकाल दिया, 80 का स्क्वायर आ गया। ये हम इस ट्रिपलेट से भी डायरेक्ट कर सकते थे। UPTGT 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटेट 2018। ए कार इज रनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ए टावर। ए कार इज, देखिए बहुत आसान है, देखिए एक कार है, वो रनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ए टावर, मतलब एक टावर की तरफ भागी आ रही है, मतलब यहां से चलनी स्टार्ट की और इसकी तरफ आ रही है, यहां है फिलहाल, ठीक है।
ए कार ड्राइवर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। जब भी ड्राइवर कार में बैठा यहाँ है तो वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है विद द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब क्या कहते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, मतलब अभी फिलहाल जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर है? 500 मीटर है। फिलहाल जब कार में बैठ के वो देख रहा है टावर के टॉप को तो उसकी डिस्टेंस है बेस से 500 मीटर दूर। व्हाइल ड्राइविंग 10 सेकंड कंटिन्यूअसली, देखो उस पर भी आते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो जब ये 30, ये तो 90 हो गया भाई, ये 30 है 90, तो ये कितना है 60। मैंने आपको आज की क्लास का सबसे पहला कंसेप्ट बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाले की वैल्यू कितनी होती है? √3। पर एग्जामिनर ने कितनी दे दी? 500। याद आया? सबसे पहली मैंने आपको सिखाया था आज की, अगर आप देखोगे सबसे पहली आपकी ये वाला पॉइंट कि जब 60 के सामने वाले की वैल्यू √3, 30 के सामने वाले की वैल्यू 1, 90 के सामने वाले की वैल्यू 2। ठीक है, तो यही कर रहे हैं हम। देखिए तो √3 की वैल्यू दे रखी है 500, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500 √3। एक कहाँ होता है? 30 के सामने होता है एक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 500/√3। ठीक है, अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाइल ड्राइविंग 10 सेकंड कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द टावर, 10 सेकंड चलता है वो टावर की तरफ, यहां से चलना स्टार्ट किया और अब एंगल जो है वो 60 का बन गया, यहां पर 10 सेकंड बाद पहुंच गया और अब एंगल बन गया है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार्स? तो भाई आपसे आपकी कार की स्पीड पूछिए। देखो अब एक सिंपल सी बात है, आपसे कार की स्पीड पूछे, क्या आपको इस डिस्टेंस का पता है? नहीं पता तो क्या करेंगे? आपको बहुत बार मैंने समझाया है, अगर अभी भी भूल रहे हो तो अच्छे से क्लास को देख लो। जब इस तरह से सेम साइड से आता है कोई भी चीज तो होता क्या है? एक्स इजिकल टू 2s/√3। ठीक है, बस आपसे ये पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है तो पुट कर दो उसमें एक्स, एच की वैल्यू, एच की तो पता है एच कितना है, 2 × 500/√3, और 1 √3 ऑलरेडी है तो √3 × √3 कितना बन जाएगा? 3, मतलब 2 × 500 मतलब 1000, और ये बना 3, ये आ गई ये वाली डिस्टेंस 1000/3। अब इसने क्या पूछा? किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया। अब किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या कर दूंगा? 18/5 गुना कर दूंगा। ठीक है, पहले उससे पहले एक सेकंड, देखो भाई ये तो डिस्टेंस आई थी, ये क्या आई थी आपकी? एक्स। ये आई थी डिस्टेंस 1000/3, पर पूछी क्या है? स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी आई है? 1000/3। टाइम कितना है? 10 सेकंड। आंसर ये तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से हुआ, ये सेकंड में, ये मीटर में। अब बताइए किसमें? किलोमीटर में, तो 18/5। तो देखिए दोस्तों, 10 से ये गया, 5 से इसको काट दिया 20 पर, और 3 से काटा 6 पर, 20 सिक्का 120 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। आ गया, समझ में भी आ जाना चाहिए। और आप कहोगे सर कमेंट में क्या लिखोगे, मजा आ गया। देखिए बस आपको करना क्या है, आपको यही चीजें बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और आपसे मैं कुछ भी नहीं कहता। लाइक कीजिए, अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो अभी लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का मतलब है आपने पूरी क्लास को एंजॉय किया है। कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी मेरी क्लास, जितने भी ग्रुप हैं आपके उनसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।